आपको चाहिए? नहीं, आयजा तुम बाबर के कमरे में चाय दे आओ। ये वाली ले दो। बाबा, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की शादी है और उसकी शादी की शॉपिंग के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? 15-20,000। अच्छा जाओ मेरे कमरे में साइड टेबल पे वॉलेट पड़ा ले आओ। जी नहीं बेटा चीनी नहीं। ओह सॉरी, आपको चाहिए? नहीं आयजा तुम बाबर के कमरे में चाय दे आओ। ये वाली ले दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय आ गई? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग भी बैठो और अपनी चाय पियो। हमारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अंकल। चलो बाबा। ला बेटा। राबिया, तुमने इसमें से पैसे निकाले हैं? आई मीन कोई बिल वगैरह पे किया है? आज तक मैंने आपके वॉलेट से इस तरीके से पैसे नहीं लिए हैं, तो अब क्यों लूंगी? क्योंकि कुछ देर पहले तक मेरे वॉलेट में पैसे मौजूद थे। एमल, तुम गई थी ना बाबा के कमरे में? नहीं तो मैं तो आयजा के साथ किचन में थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा है बाबा के रूम में। हाँ बे, अब तो उस घर में चोरियां भी होने लगी हैं। ऐसी नीच हरकत करने की किसी नौकरानी में हिम्मत तक नहीं थी। इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते लाइफ। बाबा, शी इज लाइंग। मैंने खुद इसको आपके रूम में देखा है। आई मीन इन फैक्ट, जब ये वहां से बाहर निकल रही थी, इसके इसके हाथ में भी कुछ था। Enough, लाइबा। नहीं तो ऐसी क्या बात है, इन लोगों के कमरे की तलाशी ले लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राबिया, चलो, इसकी जरूरत नहीं है। ले लेते तलाशी। मैंने कहा राबिया, क्या कर रही हो ये? मुझे यकीन है बच्चियां ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मामा, वहां देखते हैं। लाइबा, ये I'm sorry बेटा।
ये देखें, ये कहां से है? बाबा आप काउंट करें जरा। अगर अंकल मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये फोन कहां से आया तुम्हारे पास? ये तो ये मैंने दिया राबिया ने। आपने लेकर दिया उसको? ताकि जो मर्जी में आए ये करे, इसी फोन के खर्चे के लिए उसने ये हरकत की है। अंकल मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके कमरे में नहीं गई, मैं आयजा के साथ थी, उससे पूछे। आयजा? हाँ अंकल, ये तो मेरे साथ ही थी। वाह, क्या गवाह चुनी है तुमने। तुम दोनों इस चोरी में बराबर की शामिल हो, तुम दोनों की मिली भगत है ये। तैमूर आपकी आंखों से पट्टियां कब उतरेंगी? ये पता नहीं कब से ये हरकतें हो रही है इस घर में। बाबा मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इनके ना ये मासूम शक्लों पे ना जाइएगा। अंकल मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन करें। आप जिसकी कसम कहेंगे मैं खाने को तैयार हूँ। मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। खुदा के वास्ते अपने मरे हुए बाप को तो बख्श दो। क्या लाइबा झूठ बोल रही है? वो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। यकीन नहीं आता कि तुम ऐसा कर सकती हो। अगर तुम्हें यही चाहिए थे तो मुझसे कह देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अंकल मैं प्लीज। दिखाई दी ना तुम दोनों ने अपनी औकात? जरा भी शर्म नहीं आई? उस इंसान के घर में डाका डाला है जिसने तुम्हें पना दिए। अब खबरदार जो तुम दोनों इस कमरे से भी निकली। चोर दोनों बहनें ना हो ही घटिया। और सब्सक्राइब करें AOI Original का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।